भर के मसीहियों की तरह यातेनो चर्च और ख्वास्टा में ईद के आमद अल मसीह मजहबी जोशो जज्बा अकीदत एहतराम से मनाई गई। अपोस्टलिक क्वायर ने जबूर गीत गाए, खुदा की हमदो सना की, मुल्क सलामती तरक्की खुशहाली की दुआएं की गई। चेयरमैन इब्तदाई रसूली क्लीसिया ऑफ पाकिस्तान पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने ईद के आमद अल मसीह के मौका पर मसीही बरादरी के इज्तमाआत से खिताब करते हुए कहा कि ये दिन फतामंदी और खुदा की लाजवाल मोहब्बत की याद दिलाता है। तारीख इंसानियत का अजीब सच्चा वाकया जिसमें रोमी सल्तनत, यहूदियों, मौत और कब्र को सुलह सलामती यमन के शहजादा मसीह ने बैकवर्द शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि अब भी इंसानियत की दुश्मन कुवतें दुनिया के अमन को तबाह करने पर तुली हुई हैं। खुदाए वाहिदो बरहक जो अलजलाल बनी नू इंसान को तख्लीक करने वाला ही अपनी मखलूक की हिफाजत करता और अमन कायम करता है, जिसके लिए खुदा का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बरकाते कलमात भी पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने अदा किए। और पाकिस्तान हयातेनो चर्च की तरफ से तमाम अहले जमीन को खुदावंद यीशु मसीह हमारे हकीकी नजात दहिंदा का मुर्दों में से जी उठना ईदे क़यामतुल मसीह तह दिल से मुबारक हो। हमारी दुआ है कि ना सिर्फ हमारा प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया अमन और मोहब्बत का गहवारा बन जाए, ताकि सुलह सलामती अमन का जो शहजादा है खुदावंद यीशु मसीह, उसके इस ज़मीन पर आने का जो मकसद है वो पूरा हो। तो एक मरतबा फिर तमाम अहले ज़मीन को खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।